बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। पज़ल ऑफ द डे में आप सब लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि पज़ल ऑफ द डे एपिसोड में हम जो है ना कोई पज़ल डिस्कस करते हैं और उसके पीछे कौन सी लॉजिक है उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पज़ल है वो कुछ इस तरह से है। क्या है कि 3 2 = 15, 5 9 = 25, 6 3 = 30, देन 0 2 = what। ठीक है, असल में पज़ल के पीछे जो लॉजिक होती है ना वो कोई कांस्टेंट लॉजिक नहीं होती कि आप किसी मैथ के किताब से कोई लॉजिक उठा लें उससे काम कर लें। नहीं, ये जो है ना खुद ब खुद बनाई जाती है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व इस तरह से किया जाता है कि रेस्ट ऑफ जो भी पज़ल्स ऑलरेडी सॉल्व किए होते हैं उनको देख के जो है ना जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आ जाएँ देखें 3 2 = 15। अभी इसमें मैंने क्या किया है कि इसका जो लेफ़्ट वाला जो डिजिट है ना इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखें, अभी इसका लेफ़्ट वाला 3 है तो 3 को मैंने जब मल्टीप्लाई किया 5 से तो क्या हो गया, 3 × 5 = 15, ये हो गया 15। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी देखें इसका लेफ़्ट कौन सा है, 5, तो इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो क्या हो गया, 5 × 5 = 25। ठीक उसी तरह इसके लेफ़्ट को 5 से किया तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30। ठीक है, तो बताओ तो ये क्या होगा, 0 2 = what। अब जब हम 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 5 = आपका 0 ही आएगा, क्योंकि जो भी डिजिट हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या होता है, 0। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, दिस विल बी इज इक्वल 0।